माशाल्लाह सब तो पहले तमाम अकीदतमंद मुरीदीन पीर भाइयों ने अस्सलामु अलैकुम और सालाना और से पाक की मुबारकबाद पेश करना है और मशहूर बेहद सैयदजादियां दा जिन्होंने फिर एक मरतबा हुक्मनामा जारी किया और इस आस्थाने ते नौकरी का शरफ नसीब होया है। अल्लाह रब्बुल अलमीन जल्ल वादा उला शरीक जात साडा सब दा मिल बैठना दरबारे गौहर विच कबूलो मंजूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आस्थाने ते आने वाले और इतों फैज पाण वाले तमाम आशकां नूं खल्ला के कायनात खाली झोलियां जिहड़े लैके आए ने भरपूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिया आदम बैनल माईवती वस्सलातु वस्सलामु अला सैयदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमैं युदलिल फलन तजिद लहु वलियम मुर्शिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमनतु बिल्लाहि सदकल्लाहु लज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जेडे सोहने लगते बैठे ने दरूद शरीफ भी सोहने तरीके नाल पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह चंगे बेनिया नाल जे बेल होए चंगे बेनिया नाल दर्द मुसीबत बेली डुबने नहीं दे, दे कदी बेलियां ना पल पल रख दे ख्याल बेली जेकर बेली दी बेल नू लबनाई हो बदार कोई बेली दा पाल बेली अमीर उनू डर की दोज़ख़दा आप सरकार निहायत ही वाजबल कदर वाजबल इहतराम इज्जत माफ की राने उजाम सैदाते किराम दोनों नजदीक तो तशरीफ लियान वाले मौजूद मोहतरम मौकशम नबी पाक दे गुलामों आज दी अजीम शान खूबसूरत और बाबरकत सलाना और से पाक दी महफिल पाक जिस दे अंदर तुसी अच्छी सब हाजिर हो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पाकीज़ा महफिल पाक नु कबूल फरमाए और इस आस्थाना पाक नु आबाद व शाद फरमाए इस गुलशन नु हरा भरा रखे और सैयदजादियां दा साया तादीर ता कयामत सारे सिरां दे उत्ते कायम व दायम रखे। हजरात मोहतरम खालिक कायनात ने कुरान मजीद दी अलिफ तो लैके वन्नास दी सीन तक
एक जगह दे उते दो में लफज इकट्ठे कीते ने वली और मुर्शिद। लंगर खादा ने कि कोई ने? लंगर खा के ते एडी चुप तुहाडे मुंह ते जुड़दी है सी चुप चंगी नहीं चंगी उची बोलो सुभान अल्लाह खान से चुप करके पढ़ गए ने मैं चुप करके कदी तकरीर नहीं की थी। हाँ जे मेरा पाइया लगे शटाकी तुहाडा भी लग सी उची बोलो सुभान अल्लाह। कई बंदे इन्हें जट बंदे गोडियां नूं काबू करके बैठे ने जिवें पहली बारी फसदे ने गोडे फदो तो पीर दे फदो आप दे छड़ दे उच्ची बोलो सुभान। हाँ एक बंदा हुण मैं वेदकां जा खुद मैं उन्हूं ठीक आके हाथ ला के दसा होर मुँह घोट लिया सो भी लाल है जोर जिहड़ा लामणे नहीं हो मैं मुँह खोलदा हाँ जे मैं ना खुलाया तो दरबार वाला आपे खुला ले सी तुसीं बोलो जिदा दे मुँह खुलदे ने उच्ची आखो सुभान अल्लाह। हाँ इंज करके जरा ना बाहर दीवार तो खलो के कोई पता लगे तो की आखसी कोई कला मौलवी है या पीर साहब बैठे ने बंदा ही कोई नहीं है नहीं पता लगे नबी दे गुलाम बैठे हुए हैं। तवज्जो फरमाओ कुरान मजीद की अलिफ तो लेके वन्नास की सीन तक एक जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वली और मुर्शिद दो में इकट्ठे कर देते क्योंकि एक जगह के उत्ते तादाद जगह के उत्ते वली का लफज है लेकिन मुर्शिद का नहीं वली का है कुरान विच एक होर कंपनी है वो आंदे ने वली सिर्फ अल्लाह है हैं बाकी कोई वली नहीं है। अल्लाह ने उन्हां दा नक डम्मण वास्ते नाल मुर्शिद भी ला छड़िया है फरमाया वली तू भज से मुर्शिद तू तो नहीं भज सकदा वली तू भज से मुर्शिद तू तो नहीं भज सकना है ना। अल्लाह ने दोवें लफ्ज इकट्ठे कीते और ओदी इब्तिदा की रखी फरमाया मई यह दिल लाहो अल्लाह जिन्हों चावे हिदायत देवे महरूम कर देना वली यम मुर्शिदा। अल्लाह फरमाया ना कोई ओदा वली होंदा है ना ओदा कोई मुर्शिद होंदा है जिन्हों बेहिदायता रखना चाहवा ओदा कोई वली नहीं जिसनों बेमुर्शिद रखना चाहवा उसका कोई वली नहीं। अल्लाह जिन्हों हिदायत देना चाहता है फिर ओनू फरीद दे बूहे ते टोर के लै जाता है ओनू सुल्ताने बाहू दे दरवाजे ते लै जाता है ओनू पाक पतन लेके जाता है। अल्लाह फरमाता है ए दरवाजा है जिदे वास्ते मैं कुरान च ऐलान कीता है वली यम मुर्शिदा फरमाया ए वली भी है ते मुर्शिद भी है। उची बोलो यार की गल है तुसा सामने वाले फ्रंट सीट वाले बोलते ने या फ्रंट सीट छोड़ो या मुंह खोल के आखो सुभान अल्लाह है फरमाया ऐ ओ दरवाजा है जेड़ा फरीद दा दरवाजा है जिन्हों अल्लाह कुरान में आख्या है। लोगो याद रखो असी सुन्नी हाँ ते किसे काम नू बगैर कुरान तो असी नहीं कर दे असी वली दे बूहे ते जाने ता भी कुरान दे मुताबिक हाथ में हाथ देने ता भी कुरान दे मुताबिक असी मत्था टेकने है ता भी कुरान दे मुताबिक है। आज लोग आंदे ने झुको ना ए सजदा होंदा है मैं आका मैनू ऐदे मुंह करके चार रकात नमाज जोहर नीतन दे हर बंदा बा पकड़ के आसी मौलवी पागल हो गया ऐदे मुंह करके नमाज होंदी है मैं आखिर ऐसे मुंह करके नमाज तो होंगी नहीं एवं सानू डांग लैके चिरकी वधे ने तुस मत्था टेकदे ने अदब करदे ने मैं कहा तेन कुरान विच साबत करा मत्था भी टेकना चाहिए ढिले बोल सो मोड़ नहीं उची बोल सो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तियां नू हुक्म दिता वाइज कुलना लिल मलाइकाति इस्जुदू लियादम फरमाया फरिश्तियो मेरे आदम नू सजदा करो मेरे आदम नू सजदा करो। अर्ज कीती अल्लाह सजदा ते सिर्फ तैनू नहीं अल्लाह फरमाया ते इहनू कौन करवेंदा पे ढिले बोलो ढिले बोलो थोड़ा लंगर खादा ने मुड़ खा लवे बोलो सही अल्लाह फरमाया इहनू कौन करवेंदा पे है या अल्लाह तुसा करवेंदे पे ने अल्लाह वाकया मेरा हुक्म मनो इहनू सजदा करो जुमले ते तवज्जो रखिया है पीर दे बूहे ते आवण दा मकसद पूरा हो जाए वली नू मन्नण दा पता लग जाए कि वलिया नू किवें मनींदा है और असी कमले नहीं आ जड़े लोग के सानू एवें जड़ा ना घेर लैंदे ने पीरां दे बूहे ते ना जाओ कैसा नहीं लभदी ओदी अख चख पा के आख असा आपे नहीं जानिया रब खलदा पे सुनो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सजदा करो
कुरान पढ़ के वेखो उलमा बैठे ने पीरा ने उसाम दे कदमा दे हाथ रख के हुक्म है सजदे दा ते सजदा एक नू आंदे ने दो नू नहीं आंदे। अल्लाह फरमाया सजदा करो, फरिश्तिया ने एक सजदा कीता मोड़े सिर चाया मोड़ दुआ ही कीता, एक सजदा कीता सिर चाया मोड़ दुआ ही कर छड़े। अल्लाह फरमाया मैं एक का खाई तुसा दो क्यों की, नहीं ना बोले ने, नहीं बोले ने, फरमाया मैं एक आखे कुरान विच भी एक दा है, फरमाया सजदे दा सजदा एक सजदा करो उन्ना दो कीते। अल्लाह फरमाया मैं एक आखे दो क्यों कीते ने, जुमला सुनया है फरिश्तियां ने कीती अल्लाह साईया जी चले एक सजदा कीता ना तो सिर चाया ते बाबे आदम दे मत्थे विच मुहम्मद दा नूर पिया चमकदा है असा दुआ भी कर छड़े, आदम अलैहि सलाम दे मत्थे विच पेशानी विच नूरे मुस्तफा पिया चमकदा है असा दुआ भी कर छड़िया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं आखिया एक कबूल कर सा एक वापस ले जाओ, अल्लाह फरमाया काम चंगा कीता ने ए शिरक नहीं मोहब्बत है, जेड़ा मोहब्बत विच आके काम कीता जांदा है अल्लाह दी बारगाह विच भी कबूल है तेरे मुस्तफा ते भी कबूल है, आस्ताना आलिया चिश्त नगर शरीफ बाबा साहब दे बुए ते एक बंदा गया जट बंदा ही पहली बार मस्जिद ते जवड़दा पिया, अल्लाह सानू तौफीक देवे नेत बड़ी है मसीह आमीन तक खोचा वरना तो किस्मत ना ले, पहली बारी जाता पिया मसीह खलन आला मगरू कोई हो रहा हो सकता प्यो पीर बैठा उसी मसीह हुजरे दे विच ते जामी मेरा सलाम भी देवी चा बेके तुहाडा मुरीद मिलिया वो सलाम दिता है मैनू भी मुरीद करो ददूर मैं तो पहली बारी आया सारा दे फेडा चरे इन्ना टाइम ही नहीं लगता बस अज दिल कीता है मुरीद होवण दा ते बस मैं आंदा पे सने आ लिया मसीह ते जाया नहीं पता है जुत्ती किथे लावणी सने जुत्ती मसीह जिसले उत्थे क पहुंचिया ना हुण तक हजरत औरां दे ते खलीफे माशाल्लाह सादे टोपियां लईयां होईयां अगे रश हुंदा ही ते लोकां दे हत्थ च बैत हुंदे आ इंतजामिया दे मुरीदां नूं सीधा पत्रा लैण शैण ओरा परा करन वास्ते उन्हां दे हाथे कोई डंडकोरियां भारियां होसे जिहड़े बूहे च खलोते ने ओह इदे टुर पए जट इदे टुरिया जांदा जिसले विचाले जे आ गए ते पिछों खाजा साहब दी नज़र पई आपने फरमाया ओ मुरीदो तुसां किधे जांदे पए अखे जी जट नूं समझाऊं सणे जुत्ती मसीह च वड़िया आपने फरमाया इहनूं कुझ ना आखो मुरीद मिलिया सलाम दी ते मैनू भी मुरीद करो और डंडकोरियां वेख के आंदा तुहाडा पीर मिलिया सलाम दी ते मैनू भी पीर करो पीर मिलिया सलाम दिता है मैनू भी पीर करो आपने एक बारी सुनिया चेहरा उठाया दूई बारी सुनिया अख खोली त्री बारी सुनिया फरमाया की आखिया आंदा तेरा पीर मिलिया सलाम दिता है मैनू भी पीर कर आप उठ के खड़े हो गए अखा में आंसू आ गए फरमाया जदा किसे दा यार न मने उदा यार मनावने अखिया जदा दिल दीद नुतर से दीदार करावने अखिया अगे तुहाडा पीर मिलिया ओ सलाम दिता है मैनू भी पीर करो आपने फरमाया ओ खलीफे अंदर जा मेरी पग चा लिया इनू पीर बनाइए जे
इसलिए जट ने सुनिया जड़े नाल खलोते हौले जा पीर दे कन्ने लग्यां दे हजूर ए जट याली भेडा चरावण आला थुड़किया खलोता ने आपने परमाया पर हट चुप कर ए अयाली थुड़क सकदा है फरीद ते नहीं जिसले पग फरीदी सिर आई सजे खबे नजर मारी सारा निजाम बदल गया कैफियत बदल गई सजे खबे वेखन लग गया पीर पुछया की बनया आंदा है अंदर बूटी मुश्क मचाया जा भुलन ते आई हो जीवे मुर्शिद कामिल बाहु ते जय सुना मेरा मुर्शिद मिलिया जी मिलिया मेरा सुनिया दिता ही दिता है ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆਖਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੀਰ ਕਰੋ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਆਖਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਕਰੋ ਤੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੁਣ ਪੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੱਥ ਜਫਾਦ ਲਈ ਪੀਸਾ ਡੋਰ ਯਾ ਬੂਏ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਲਜਪਾਲਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ फरमाया जिसले चौथी बारी ऐस आखिया मगर यारवी वाला पीर आके खलोता ही इशारा कीता तू फरीद कर पीर पग रखीए मुसलमाना पता चलिया एवें ते नहीं खजाने भरे पे एवें ते नहीं लोग झुकते पे एवें नहीं दरबार चुमींदे पे एवें नहीं लोग आके लंगर पे बंडदे चादर पईयां चढ़दियां ना जिम्मे कौन चैंदा ई ओ साईया दे बाजू जिम्मे कौन ओ साईया दे बाजू ए गल कौन लेंदे ओ साईया दे बाजू जिम्मे कौन कोई जिम्मेवारी चाहिए इन्हां दा काम है जेड़ा हाथ पकड़ के मुड़ हर जगह ते ख्याल रखो हर जगह ते ख्याल रख दे असा तो भूल जाने हैं असा तो उसले चेता करना होंदा है जिसले लत नूं थुड़ा आवे असा उसले याद करना होता है जिसले मां सिर दे बाहर खावे असा उसले याद करना है जिसले पुत्र बीमार होवे हैं किसले जिसले पुत्र दी जांज चढ़दी पई हो कदे उसले पीर नु याद कीता है हैं मुंजी जो वावा हो जावे कदी पीर नु याद कीता है कणक चंगी हो जावे कदी मुर्शिद नु याद कीता है नहीं असी उदो नहीं याद करदे असी उदो करने हैं जदों फसे होए हैं जदों फसे होए उदो याद करने हैं लेकिन कदी हशाज पशाज ते चंगे वक्त विच भी मुर्शिद नु याद रख मुर्शिद नु चेता कर मुर्शिद नु साथ मार के भेज और मुर्शिद नु ए जो मन जिमे हबीब इब्ने मुजाहिर ने हसन ते हुसैन नु मनया इंज करके मानना मुड़ वेख पीर भी किवें पहुंचदा है और मुरीद भी किवें मनन वाला होंदा है या दरवाजे विचों निकलिया ना अल्लाह दी इज्जत दी कसम है मां ने पूछया जा हबीब इब्ने मुजाहिर नु हबीब किथे जा रहे हैं अगे अम्मा खेडन वास्ते
कहीं देना अखे सही दान नहीं सारे बोलो ये बड़िया हिकमत मैं सारिया नहीं बयान कर सकता एक जरूर कर सकता मां ने पूछा केंदे नाल खेडा जाता पे सहीदा नाल केड़े सहीदा केड़े सहीदा नाल ये 1400 साल पहले उस अम्मा ने मसला हल कर छड़िया है भाई सैयद भी कई किस्म दे हाँ सैयद भी कई किस्म दे है कि दाने लवण दे मगर सैयद कि चंदा लवण दे मगर सैयद कोई किसे किस्म दा पर सैयद किनू आखदे ने जेड़ा हसनी भी होवे ते हुसैनी भी है अल्लाह दी इज्जत दी कसम है लोग उन्हां दे नां ते मंगना चाहिदा ये खुद पीर बनेगा मैं आख्या सैयदां दे नां ते मांग के वेख हसन हुसैन दे नां ते मांग के वेख लोग अपने सिर कुर्बान कर देंदे ने है तुसी दाणे लवण दे मगर ते 10 रुपये लवण दे मगर खुद सैयद बन जांदे पर मैं सैयद ओ हुंदा जेड़ा हसनी भी होवे हुसैनी भी होवे जेदी सूरत वेख के सूरत हैदर करार याद आ उची बोलो सुभान अल्लाह बड़ा परेशान होया दो घंटे चार घंटे तो बाद आखन लगे अम्मा एक बारी दरवाजा ते खोल हो सका की गल है आंदा मेनू क्यों बंद किया आखे सईदा नाल नहीं खेडन दे नहीं क्यों उस आखा बेली होर बना ले उस आखे अम्मा बेली शर्मो हया वाला होवे बेली गैरतमंद होवे इको ही बना नित बेली नहीं बदले जांदे नाले ए सैयदादे ने आल रसूल दी ने अली दी गोद विच खेडण वाले सहरा पाक दा खीर पीवण वाले इन्हां तों वध के केड़ा बेली है ओ साक्या पुत्रा पता ही मैं क्यों मना करनी आ कोई होर बेली होवे ओनू धक्का वजे बेली नाराज होसी जे हुसैन ओनू धक्का वजे हसन नाराज जहरा नाराज अली नाराज इतनी नाराजगियां नहीं बर्दाश्त होती कोई होर बेली बना ले उसे क्या मां मुड़ इंज नहीं अज का दे छुट्टी दे मैं जाके उन्होंने वेख भी आना नाले दस भी आना भी कल मैं कोई नहीं आना तो मेरा इंतजार ना कर गली बाजार खलो कि सहरा पाक की जोड़ी मेरा इंतजार पे कर दे हुसैन तो मैनू नहीं चंगा लगता एक बारी छुट्टी दे मां हई मन गई आती है जा छुट्टी आई तुर पिया या बूहे विचो बाहर निकलिया इश्क बोलिया केड़े मुंह नाल आखसे हसन हुसैन मैं कल कोई नहीं आवना चार साल हो गए रल के खेडने रल के बांधे हुण इतनी जल्दी विछोड़ा नहीं बर्दाश्त होना किवें जाके आखा मेरी मां नहीं मनदी मैं नहीं आवना नहीं खेडना बिलप खत्म हो गया यराना मुक गया रोंदा भी जांदा है तुरिया भी जांदा है आशिक दी कलम बोली फरमाया मिले जे माही ओ दुखड़े सुने मिले आज माही ओ दुखड़े सुने सा ओनु हाल दिल दा ओ सारा दसे सा मिले आज माही या गली बाजार विच पहुंचिया वेखिया सहरा पाक दी जोड़ी हसनी हुसैनी पीर बाजार विच खलोते हुए ने जाके कदमा ते हाथ रख अखां विच आंसू आ गए आंदा लजपाला मैं अज तू बाद कोई नहीं आवना ने पर मैं क्यों नहीं आवड़ी अखे मेरी अम्मा आदी है सईदा नाल नहीं खेडीदा इमाम हुसैन फतिया सीने नाल ला के पर मैं तेरी मां सच आखदी है सईदा नाल खेडीदा नहीं राजी कर रो के आंदा है मुड़ कल खेडन तो बंद है ना अगों भी अली दा पुत्र है इंज करके गर्दन दे उत्तों कलावा मार के फरमाया खेड नहीं मुकदी अगे तू साडे वाल आंदा रहा है हुण हुसैन तेरे वाल आया खेलना रल के है जा वापस चला जा हबीब इब्ने मुदायर चला गया या दरवाजा खोलिया लबा के मुस्कुराहट
बड़ा राधी ते खुशी है। मां ने पूछा बड़ा राधी है सज्जन मिल पै नहीं की आखियाई आखे अज मैं सज्जना ने आखिया वापस चला जा कल तू ना आवी असा उसाए उन्हें आख्या पुत्रा ओ सैया साधे अली दी गोद विच खेडण वाले सहरा पाक दा खीर पीवण वाले मुहम्मद दी जबान चूसण वाले ओ साडे गरीबां दे वेड़े कदा आउंदे ने किसे नहीं आवना तैनू आख्या बेली होर बना ले उन्हें आख्या अम्मा वेख लवी या सूरज चढ़ना या हसन उसी या हुसैन क्योंकि मुरीद सच बोले तो पता लगता है कि किसी कामल के हाथों में हाथ दिते क्योंकि मुर्शिद तो झूठ बोलना दसता ही नहीं मना करता है झूठ ना बोली हेरा फेरी ना करी किसी का हक ना मारी यतीमा का हक ना खावी धीया का हक ना खावी है किसी का हक ना मारी हक लाल दी रोटी खावे क्यों कि तू हसनी हुसैनी सईदा के हाथों में हाथ दी मुर्शिद तो दसता ही कुछ है ये ऐसा है जे या खंड वलाई तो मुझे सारा कुछ भूल जाने हैं उन्हें आख्या वेख लै सारी रात अख ना लगी हबीब जागदा रहे मां जिसले दिन चढ़िया उन्हें आख्या पुत्रा वेख लै जे कोई ना आया उस अम्मा वादा की तैयार ने नाल मेरे असा तोड़ निभानिया ओ यारिया ने जंज हंजुआ अगे रूदियां होने तैयार दिन चढ़िया इंतजार बनता गया सूरज चढ़दा गया कोठे ते चढ़ के अड़ियां चा चा के वेखी जांदा है पैर फिसलिया सिर दे बाल डट्ठा मनका टुट गया आखरी सामान ते मां नूं सद मारिया मां भज के आई वेख्या पुत्र दी कैफियत बदल गई हालत बदल गई अखां बंद होवन दे करीब हन जबान हलक तो बाहर आ गई है सिर फदिया झोली विच रख आंदी है पुत्रा की बनया है उस अखां अम्मा बनया कुछ नहीं मैं ते टुर चलिया ते जे मेरा मुर्शिद आ जाए जे मेरा मुर्शिद आ जाए मेरा सज्जन आ जाए ते मुड़ दरवाजे तो बाहर खलोते नूं मोड़ ना छड्डे एक बारी अंदर कदम पवा लवे ते जिसले अंदर आ जावे मुड़ जो मर्जी दसे जाए बार खलोते होया ना दसी इवें बार खलोते होया ना मुड़ी बसणिया दी तां जान निकल गई रूह परवाद कर गई मां आई सिर गोद विच रखे रोंदी बैठी आई ते बार दरवाजे ते दस्तक आई जल्दी दे नाल बूहे दे अंदर गई खलो के पुछदी है कौन कौन है अगो आवाज आई फरमाया अम्मा जी मैं हुसैन हाँ मैं हुसैन हाँ आए हाय हाय या माई ने सुनिया ना कि गुलशन सहरा का फूल आ गया ते जल्दी दे नाल दरवाजा खोल के आंदी है बिस्मिल्ला करा अंदर आ जाओ फरमाया अम्मा जी पहले दसो मेरा सज्जन किथे है मेरा सज्जन किथे के सोनिया एक बारी अंदर ते आ मुड़ दसनी आ तेरा सज्जन किथे या दरवाजे दे अंदर कदम रखिया फरमाया हुण ते दस मेरा बेली किते मां आंदी है दूर गई अगू भी अली दा लाल आई बेड़े विच चौकड़ी मारी इवें अखा बंद कीतियां फरमाया इंतजार कर लेने आए जिसले आया मुड़ रल के खेड़ सै मां रो के हथ बन के आंदी है सोने उठ खलो उन्हें कोई नहीं आने क्योंकि तुर गए नहीं ओ दिलदार दिला दे पटों चुक मुहारा ओ उजड़ी नगरी ए नजरी आई ए कंड कीती जद यार इंतजार कर उस कोई नहीं आवना
फरमाया क्यों? उसका दूर ही इतना गया जिथों वापस कोई नहीं आता। हुसैन उठ के खड़े हो गए, फरमाया मां मैं ज़हरा पाक का खीर पीता है, जितना भी कोई दूर गया हो असी वापस ले आंदे, जितना भी कोई दूर गया हो असा वापस ले आंदे होने हैं। फरमाया दस कितना दूर गया है। माई अंदर लेके गई, पुत्र दे चेहरे ते चादर पाई हुई, उसका ऐ सुत्ता पिया जे ले आ सकना ते ले आ। इमाम हुसैन ले मुसलाम सिराने कलोर साद मारिया, फरमाया हबीब उठ, एक बारी सदिया, दुई बारी सदिया, त्री बारी, चौथी बारी चादर नू हाथ पाया, फरमाया केड़ी नी दरवे सुता होया है, सदे अली दा पुत्र ते तू उठे ना, ए ते नहीं हो सकदा है, या चादर छिकी है। अल्लाह ने फरमाया इसराइला जी रब अलामीन, फरमाया चल हबीब दी जान वापस कर, क्यों हुसैन नाराज नहीं कीता जाता, हुसैन नाराज नहीं कीता जांदा, हुसैन केड़ा नित नित मुर्दे जिंदा करवे, जा एदी जान वापस कर मुसलमाना, या चादर बाद पीछा हटीए। हबीब इब्ने मुलाहिम ने अखा खोल दितिया, पहली नजर हुसैन दे चेहरे ते गई, अखा विच आंसू आ गए, लबा के मुस्कुराहट आ गई, आंदा लज पाला अज पता लग गया जिम्मे कौन जे ओ साया दे बाजों जिम्मे कौन चेंदा है, ओ साया दे बाजों ए गल कौन लेंदा है, ओ साया दे बाजों जिम्मे कौन चेंदा है, ए जगवाल बलदी तेहन तेल पेदे चेरू सद भी देवने, पर साई नहीं सदे दे, ओ साईया दे बाजो सीने कौन ले दे, जिम्मे कौन दे। और माया मुर्शिद होवे दे जदा, राहबर होवे दे जदा, सज्जन होवे दे जदा, जेड़ा हाथ पकड़े ये मुड़ कदी भी ना छड़े, याद करके हाथ पकड़िया, फरमाया हबीब आजा चलिए, या दरवाजे तो बाहर निकले, दो चार गल्ला कीतियां, फरमाया जा हुन मां नू राजी कर, जदा हुसैन नू लोड़ पई तेनू आपे साथ ले सी, जदा लोड़ पई उदा तेनू आपे साथ ले सी, कदा लोड़ पई जदा हुसैन करबला विच उठों जाके सनिया गलिया, हबीब नू आख्या है कि तेरा सज्जन अज तेनू याद करदा पिया है। मुसलमान पीर नू मनिए ते इंज करके मनिए, राहबर नू बनिए ते इंज मनिए, हाथ विच हाथ देईए ते मुड़ इंज करके देईए कि जिथे भी हो समझ लै कि मेरा मुर्शिद मैनू वेख रहा है। अल्लाह ताला सही आजादियां नू सलामत रखे, इस गुलशन नू हरा भरा रखे, इस आस्थाने नू आबादो शाद रखे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने अकीदतमंद मुरीदीन दोनों नज़दीक तो तशरीफ लिया ने मेरा मालिक कदम कदम के उत्ते दर्जे बुलंद फरमाए। पीर मिले आई ओ सलाम दिता है, मैनू भी पीर करो, तुहाडा पीर मिले आई ओ सलाम दिता है, मैनू भी पीर करो। आपने एक वारी सुनिया चेहरा उठाया, दूई वारी सुनिया अख खोली, त्री वारी सुनिया फरमाया की आखी आई, आंदा तेरा पीर मिले आई ओ सलाम दिता है, मैनू भी पीर कर। आप उठ के खड़े हो गए, अखा विच आंसू आ गए, फरमाया जदा किसे दा यार न मन्ने उदा यार मनावने अखिया जदा दिल दीद नू तरसे दीदार करावने अखिया अगे तुहाडा पीर मिले आई ओ सलाम दिता है मैनू भी पीर करो। आपने फरमाया ओ खलीफे अंदर जा मेरी पग चा लिया इनू पीर बनाइए इनू पीर बनाइए। जिसले जट ने सुनिया जड़े नाल खलोते हैं हौले जा पीर दे कन्ने लगे आंदे हजूर ए जट याली भेडा चरावण आला थुड़किया खलोता ने। आपने फरमाया पर हट चुप कर ए अयाली थुड़क सकदा है फरीद ते नहीं थुड़क सकदा ए थुड़क सकदा ना मैं तो नहीं थुड़क सकदा मैं जा मेरी पग चा ले
वह गया जिसले जाके अंदरों पग चा के लिया आपने अगली पगड़ी पुरानी लाई उत्ते पग रखी पर मैं तो एक नित ने आखना है मेनू पीर बना चा जा तेन पीर बना चले जिसले पग फरीदी सिर दे उते आई सजे खब्बे नजर मारी सारा निजाम बदल गया कैफियत बदल गई सजे खब्बे वेखन लग गया पीर पुछया की बनया आंदा है अंदर बूटी ओए मुशिक मचाया जा फुलन ते जीवे मुर्शिद ओए कामिल बाहु ते जय बूटी इलाई हो वालेकुम सलाम सुना मेरा मुर्शिद मिलिया जी मिलिया मेरा सुनिया दिता ही दिता किवें दिता ही उसका जानते ही आखा जी तेरा पीर ओ सलाम दिता मैनू भी पीर करो आपने फरमाया मरवा दिता ही मैं तेनू इवें आखा मैं तेनू आखा तू आखे जी तुहाडा मुरीद मिलिया ओ सलाम दिता मैनू भी मुरीद करो तू ते काम ही सारा उल्ट कर छड़िया हुण पग ला लई हाथ जफा दे लई पीछा डर रिड़ना शुरू कर दिता हाथ बन के कर दे लजपा ला गलती हो गई फरमाया जिसले चौथी बारी इस आख्या मगर यारवी वाला पीर आके खलोता ही इशारा किया तू फरीद कर पीर पग रखीए मुसलमाना पता चलिया एवें ते नहीं खजाने भरे पे एवें ते नहीं लोग झुकते पे एवें नहीं दरबार चुमींदे पे एवें नहीं लोग आके लंगर पे बंडदे चादर पईयां चढ़दियां नूं सिम्मे कौन जेंदा ई ओ साईं दे बाजों सिम्मे कौन जेंदा ई ओ साईं दे बाजों ए गल कौन लैंदे ओ साईं दे बाजों सिम्मे कौन जिम्मेवारी चाहिदा ई इन्हां दा काम है जिहड़ा हाथ पकड़ के मुड़ हर जगह ते ख्याल रखो हर जगह ते ख्याल रखदे असां तां भुल जांदे आं असां तां उसले चेता करना हुंदा है जिसले लत नूं ठुड्डा आवे असा उसले याद करना होता है जिसले मज सिर दे बाहर खवे असा उसले याद करना है जिसले पुत्र बीमार होवे हैं किसले जिसले पुत्र दी जांज चढ़दी पई हो कदे उसले पीर नु याद कीता है मुंजी जल वावा हो जावे कदी पीर नु याद कीता है कणक चंगी हो जावे कदी मुर्शिद नु याद कीता है नहीं असी ओदो नहीं याद करदे असी ओदो करने आ जदों फसे होए हैं जदों फसे होए ओदो याद करने हैं लेकिन कदी हशाश पशाश के चंगे वक्त विच भी मुर्शिद नु याद रख मुर्शिद नु चेता कर मुर्शिद नु सद मार के भेज और मुर्शिद नु ए जो मन जिमे हबीब इब्ने मुजाहिर ने हसन ते हुसैन नु मनया इंज करके मानना मुड़ वेख पीर भी किमे पहुंचदा है और मुरीद भी किमे मनन वाला होंदा है या दरवाजे विचो निकलिया ना अल्लाह दी इज्जत दी कसम है मां ने पूछया जा हबीब इब्ने मुजाहिर नु हबीब किथे जा रहे हैं अके अम्मा खेलन वास्ते कहीं दे नाल अके सईदा नहीं सारे बोलो इहदे विच बड़ियां हिकमतां ने मैं सारियां नहीं बयान कर सकदा एक जरूर कर सकदा मां ने पूछया कहीं दे नाल खेलन जांदा पिया सईदा नाल केड़े सईदा नाल
ਇਹ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸਮਾ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਭਈ ਸੈਯਦ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣੇ ਲਵਣ ਦੇ ਮਗਰ ਸੈਯਦ ਕਿ ਚੰਦਾ ਲਵਣ ਦੇ ਮਗਰ ਸੈਯਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰ ਸੈਯਦ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਖੁਦ ਪੀਰ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਲਵਣ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਲਵਣ ਦੇ ਮਗਰ ਖੁਦ ਸੈਯਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੈਯਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰਤ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਸੈਯਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਸਨ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਨੇ ਚੌੜੀ ਵੱਡੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋ ਸਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਯਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲ ਹੋ ਸਕਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਈ ਅਖੇ ਸੈਯਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਾ ਬੇਲੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋ ਸਕੇ ਅੰਮਾ ਬੇਲੀ ਸ਼ਰਮੋ ਹਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬੇਲੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾ ਨਿਤ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਲ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦਾ ਖੀਰ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੇਲੀ ਏ ਉਹ ਸਾਕਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜੇ ਬੇਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸੀ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜੇ ਹਸਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਜ਼ਹਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਤਨੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਲੀ ਬਣਾ ਲੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਮੁੜ ਇੰਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਚ ਮਾਂ ਹਈ ਮੰਨ ਗਈ ਆਂਦੀ ਏ ਜਾ ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਯਾ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ਼ਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖਸੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਲ ਕੇ ਬਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਬਿਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਰਾਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਕਲਮ ਬੋਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਮਾਹੀ ਉਹ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣੇ ਮਿਲਿਆ ਜਮਾਹੀ ਉਹ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸੇ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਮਾਹੀ ਯਾ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹਸਨੀ ਹੁਸੈਨੀ ਪੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸੂ ਆ ਗਏ ਆਂਦਾ ਲਜਪਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਈ ਅਖੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਆਦੀ ਇਹ ਸੈਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਦਾ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਫਤਿਆ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸੱਚ ਆਖਦੀ ਏ ਸੈਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੁੜ ਕੱਲ ਖੇਡਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਕਰ ਖੇਡਣਾ ਰਲ ਕੇ ਹੈ ਜਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਹਬੀਬ ਇਬਨ ਮੁਦਾਇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਲੱਭਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਪਏ ਨੀ ਕੀ ਆਖਿਆਈ ਅਖੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਕੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੀ ਅਸਾਂ ਉਸਾਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ
खेडन वाले, जहरा पाक दा खीर पीवन वाले, मुहम्मद दी जबान चूसन वाले, ओ साडे गरीबां दे वेड़े कदा आंदे ने, किसे नहीं आवना, तैनू आख्या बेली होर बना ले, उन्हें आख्या अम्मा वेख लवी या सूरज चढ़ने या हसन उसी या हुसैन क्योंकि मुरीद सच बोले तो पता लगता है कि किसी कामल के हाथों में हाथ दिते ने, क्योंकि मुर्शिद तो झूठ बोलना दसदा ही नहीं, मना करता है, झूठ ना बोली, हेरा फेरी ना करी, किसी का हक ना मारी, यतीमा का हक ना खावी, धीया का हक ना खावी, है किसी का हक ना मारी, हक लाल दी रोटी खावे, क्यों कि तू हसनी हुसैनी सईदा के हाथों में हाथ दिते। मुर्शिद तो दसता ही यही कुछ है, ये ऐसा है जे या खंड वलाई के मुड़ सारा कुछ भूल जाने हैं। उन्हें आख्या वेख लै, सारी रात अख ना लगी हबीब जागदा रहे, मां जिसले दिन चढ़िया उन्हें आख्या पुत्रा वेख लै जे कोई ना आया, उस आख्या अम्मा वादा कीता यार ने नाल मेरे असा तोड़ निभानिया ओ यारिया ने जंज हंजुआ अगे रूदियां होने तैयार यारे। दिन चढ़िया इंतजार बनता गया, सूरज चढ़दा गया, कोठे ते चढ़ के अड़ियां चा चा के वेखी जांदा है, पैर फिसलिया, सिर दे बाल गठा मनका टुट गया, आखरी सामान ते मां नूं सद मारिया, मां भज के आई वेख्या पुत्र दी कैफियत बदल गई, हालत बदल गई, अखां बंद होवन दे करीब हन, जबान हलक तो बाहर आ गई है, सिर फतिया झोली विच रख आंदी है, पुत्रा की बनया है, उस अखां अम्मा बनया कुछ नहीं, मैं ते टुर चलिया, ते जे मेरा मुर्शिद आ जाए, जे मेरा मुर्शिद आ जाए, मेरा सज्जन आ जाए, ते मुड़ दरवाजे तो बाहर खलोते नूं मोड़ ना छड्डी, एक बारी अंदर कदम पवा लवे, ते जिसले अंदर आ जावे मुड़ जो मर्जी दसे जाए, बार खलोत्या ना दसी, इवें बार खलोत्या ना मुड़ी, बसने दिता जान निकल गई, रूह बर्बाद कर गई, मां आई सिर गोद विच रख के रोंदी बैठी आई, ते बार दरवाजे ते दस्तक आई, जल्दी दे नाल बूहे दे अंदर गई, खलो के पुछदी है कौन कौन है, अगो आवाज आई, फरमाया अम्मा जी मैं हुसैन हाँ, मैं हुसैन हाँ, आए हाय हाय, या माई ने सुनिया ना कि गुलशन ज़हरा दा फूल आ गया, ते जल्दी दे नाल दरवाजा खोल के आंदी है बिस्मिल्लाह करा अंदर आ जाओ, फरमाया अम्मा जी पहले दसो मेरा सज्जन किथे है, मेरा सज्जन किथे, के सोनिया एक बारी अंदर ते आ मुड़ दसनी आ तेरा सज्जन किथे, या दरवाजे दे अंदर कदम रखिया, फरमाया हुण ते दस मेरा बेली किते, मां आंदी है दूर गई, अगू भी अली दा लाल आई, बेड़े विच चौकड़ी मारी, इवें अखां बंद कीतियां, फरमाया इंतजार कर लेने आए, जिसले आया मुड़ रल के खेड सै, मां रो के हथ बन के आंदी है सोने उठ खलो, उन्हें कोई नहीं आनी क्योंकि तुर गए नी ओ दिलदार दिला दे, बटनों चुक मुहारा ओ उजड़ी नगरी ए नजरी आई, कंड कीती जद यार, इंतजार कर उस कोई नहीं आवना है, फरमाया क्यों, उस का दूर ही इतना गया है जिथो वापस कोई नहीं आता, हुसैन उठ के खड़े हो गए, फरमाया मां मैं ज़हरा पाक का खीर पीता है, जितना भी कोई दूर गया होवे असी वापस ले आंदे, जितना भी कोई दूर गया होवे असा वापस ले आंदे होने हैं, फरमाया दस कितना दूर गया है,
माई अंदर लै के गई, पुत्र के चेहरे से चादर पाई हुई, उसका ए सुता पिया जी लिया सकना है तो ले आ। इमाम हुसैन ले मुसलाम सिराने खलो साध मारिया फरमाया हबीब उठ, एक बारी सदिया, दुई बारी सदिया, त्री बारी, चौथी बारी चादर नू हाथ पाया फरमाया केड़ी नी दरवे सुता होया है, सदे अली दा पुत्र ते तू उठे ना, ए ते नहीं हो सकदा है, या चादर छिकी है। अल्लाह ने फरमाया इसराइला जी रब आलमीन फरमाया चल हबीब दी जान वापस कर, क्यों हुसैन नाराज नहीं कीता जांदा, हुसैन नाराज नहीं कीता जांदा, हुसैन केड़ा नित नित मुर्दे जिंदा करने, जा एदी जान वापस कर मुसलमाना, या चादर बाद पिछा हटीए। हबीब इब्ने मुलाहिम ने अखां खोल दितियां, पहली नजर हुसैन दे चेहरे ते गई, अखां विच आंसू आ गए, लबां ते मुस्कुराहट आ गई, आंदा लजपाला अज पता लग गया जिम्मे कौन जे ओ साया दे बाजो सिमे कौन चेंदा है, ओ साया दे बाजो एक गल कौन लेंदा है, ओ साया दे बाजो सिमे कौन चेंदा है, ए जगवाल बलदी तेहन तेल बेदे चेरू सद भी देवन, पर साई नहीं सदे दे, ओ साईयां दे बाजो सीने कौन ले दे, सिमे कौन दे। और माया मुर्शिद होवे ते हिजदा, राहबर होवे ते हिजदा, सज्जन होवे ते हिजदा, जेड़ा हाथ पकड़े कि मुड़ कदी भी ना छड़े, याद करके हाथ पकड़िया, फरमाया हबीब आजा चलिए, या दरवाजे तो बाहर निकले, दो चार गल्लां कीतियां, फरमाया जा हुण मां नूं राजी कर, जदा हुसैन नूं लोड़ पई तैनूं आपे साध लई सी, जदा लोड़ पई उदा तैनूं आपे साध लई सी, कदा लोड़ पई जदा हुसैन करबला वे उत्थों जाके सणिया गलिया, हबीब नूं आख्या है कि तेरा सज्जन अज तैनूं याद करदा पिया है। मुसलमान पीर नूं मनिए ते इंज करके मनिए, राहबर नूं बनिए ते इंज मनिए, हाथ विच हाथ देईए ते मुड़ इंज करके देईए कि जिथे भी हो समझ लै कि मेरा मुर्शिद मैनूं वेख रिहा है। अल्लाह ताला सैयदज़ादियां नूं सलामत रखे, इस गुलशन नूं हरा भरा रखे, इस आस्थाने नूं आबादो शाद रखे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने अकीदतमंद मुरीदीन दोनों नज़दीक तो तशरीफ लिआए ने मेरा मालिक कदम कदम दे उत्ते दर्जे बुलंद फरमाए। ओ आमीन।